हेलो भाई लोग, तो आज का सवाल है कि कॉन्करर कर पाना ज्यादा कठिन है या कमांडो टाइटल कंप्लीट कर पाना। लेकिन फिलहाल तो हम कर चुके हैं जंप, क्योंकि हम कंप्लीट कर रहे हैं BGMI का सबसे कठिन कमांडो टाइटल। फिलहाल तो जंप करने के साथ ही ये भाई साहब भी मेरे को मेरी अड्डे पे दिखते हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरे को मुक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप लोग को मिनी मैप में देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर दो बंदे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो से भी बहुत ज़्यादा बंदे हैं, क्योंकि भाई साहब अभी DP चला के एक लौंडे को निपटाए हैं और यहाँ से अब ये मेरे को ताकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे बगल में ही जंप किए थे और इनको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ और ये मेरे उठने का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब ऐसे ही इंतजार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से उठता ही नहीं हूँ। भैया कौन अपना मैच ख़राब करे, वैसे भी कम से कम मैचेस यूज़ करके मेरे को कमांडो टाइटल कंप्लीट करना था, तो फिलहाल तो मैं यहीं पर लेटा ही रहता हूँ और इन भाई साहब का भिड़ंत हो जाता है दूसरे वाले भाई साहब। भाई साहब बात ऐसी थी कि मैं ले रहा हूँ मज़ा इन दोनों लौंडों के फाइट का, अब इन दोनों में से जो जीतेगा उससे मेरे को बचना रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि भैया वो लौंडा मर जाए जिसको पता है कि मैं यहाँ छत पर लेटा हुआ हूँ। तो अब देखते हैं भाई साहब कौन मरता है। फिलहाल तो ये भाई साहब एकदम हार्ड TPP ले रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, और दूसरा लौंडा स्क्वाड हाउस में नीचे से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते हैं भैया कौन बचता है, कौन खर्चा होता है। अब यहाँ पे होता ऐसा है कि ये जो हमारे छत वाले भाई साहब हैं ये हो जाते हैं विजयी इस लड़ाई में। अब मेरे लिए दिक्कत ये बढ़ जाता है कि इन भाई साहब को पता है कि मैं यहाँ पर छत पे लेटा हुआ हूँ। अब मतलब श्योर नहीं है कि मैं अभी भी लेटा हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फुर्सत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये भाई साहब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं और आप देख सकते हैं अभी 46 बंदे अलाइव हैं। और अब देखिएगा ये मेरा इंतज़ार कब तक करते हैं, मेरे आसी पास ये घूमते रहता है बंदा, मतलब एक किल के लिए ये पूरा मैच यहीं बिताने के लिए रेडी है लेकिन यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं है। इसको मेरा किल लेना बहुत ज़रूरी है। अब भाई साहब को कौन बताए कि यार मैं बहुत बुरी बुरी तरीके से मरते रहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अब आप देख सकते हैं कि 20 लौंडे अलाइव हैं और ये भाई साहब चले गए हैं बॉट को निपटा के उसकी पेटी लूटने, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो मैं अब यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। और ये बॉट को देख रहे हो, मत देखो, खैर अब तो देखने लायक बच्चे नहीं, लेकिन ये उस बंदे को नहीं मार रहा था जो ओपन में लेटा है, मेरे को मार रहा है छत से जंप कर रहा हूँ। तो और ये भाई साहब तो यार पूरी बिल्डिंग एकदम चाट नाए हैं, एकदम मतलब एक भी गन नहीं थी ऐसी जिसमें मेरे को कुछ लूट पाट मिल जाए। अब आखिरी उम्मीद मेरा था ये बक्सा। अब बक्से के पास मैं पहुँचता हूँ लूटने के लिए, तो ओपन करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होता, पता नहीं ग्लिच हो गया रहता है कि बंदा पहले ही लूट कर चला गया रहता है। तो अब मैं यहाँ से भागने का फैसला लेता हूँ, क्योंकि वो भाई साहब का भी ध्यान मेरे से हट चुका था। तो अब मैं यहाँ से तुरंत ही निकलता हूँ, क्योंकि भाई जोन में भी जाना है और लूटिंग भी कंप्लीट करनी है, और लूट यहाँ पर तो मिलने से रहा। लिविक मैप खेलने का यही फायदा है कि यहाँ पे आपको लूट की दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा ही आगे आइए आपको लूट मिल जाएगा। और फिलहाल ये बोलेरो वाले भैया आ जाते हैं और ये डिस्टर्ब कर देते हैं मेरे को, यार मेरे को चापने की खूब कोशिश करते हैं लेकिन मैं ही इनको चाप देता हूँ। अब देखो यार बात ऐसी थी कि मैं था जोन के एज पे और अभी जस्ट मैं किया हूँ फायर। अब आसपास के जो भी बंदे होंगे वो मेरे को देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले मेरा ज़रूरी था कि किसी भी सेफ लोकेशन पे लेटना, और सबसे नज़दीकी सेफ लोकेशन मेरे को यहीं दिखा जो कि जोन के अंदर था। तो यहाँ पर रुक के सबसे पहले लगाते हैं हील और देखता हूँ जोन कि जोन में कहाँ जा सकता हूँ। और आपको कमांडो टाइटल कंप्लीट करते वक्त या फिर कॉन्करर कंप्लीट करते वक्त दोनों समय आपको 100% अलर्ट रहना है, आगे पीछे दाएँ बाएँ चारों तरफ देखते रहना, क्योंकि भाई आपको भी नहीं पता कि आपका कॉम्पिटिटर कहाँ लेटा हुआ है। और फिलहाल तो ये बॉट भाई साहब आते हैं, तो इनको निपटा देते हैं। अब इन भाई साहब को निपटाने के साथ मैं निकल लेता हूँ सीधा जोन की तरफ, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं पहुँच जाता हूँ बहुत जल्दी। अब यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ क्योंकि भैया जोन पहले क्लोज हो जाए, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे पीछे से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। किस्मत ख़राब हुई तो भैया जोन से लड़ते भिड़ते भी एक आध बंदे आ सकते हैं। अब देखो जोन बन गया था सामने वाले घर पे और उधर पहले से चल रहा है मार धाड़, मिनी मैप में दिख ही रहा होगा आप लोग को। तो अब मैं रेंगते हुए इस घर तक सबसे पहले पहुंचता हूं, फिर आपको वहां का जायजा बताता हूं। देख सकते हो आप लोग डिस्टेंस मेरे को इस जगह पे पहुंचना है। तो अब चलिए यहां से निकलते हैं फटाफट से रेंगते हुए। अब मैं जैसे ही मेरी मार्क की हुई लोकेशन पे पहुंचता हूं, मेरे को इस कंपाउंड के किंग दिख जाते हैं। अब इनको तो निपटाना पड़ेगा, और अब इन भाई सबको निपटाने के साथ मैप में बचे थे दो बंदे और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दूसरा बंदा कहाँ है। तो अब मेरे को थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि वो बंदा कहाँ होगा, जैसे कि VI के सिम के साथ भी होता है, आपको नेटवर्क लेने के लिए छत पे जाना पड़ता है, तो मैं अभी आइडिया लेने के लिए छत पे आ जाता हूं। और मेरे को छत पे आइडिया मिल भी जाता है ये पेड़ के पास। अब मेरे को इस बंदे को निपटाना है और चिकन डिनर अपने नाम करना है। तो सबसे बेस्ट अटैकिंग मेथड मेरे को यहाँ पर ग्रेनेड लगा, और ग्रेनेड करता हूँ कुक और दया निशाना फेंक।
और इसी के साथ BGMI का सबसे कठिन कमांडो टाइटल का 31वां चिकन डिनर भी हो जाता है कंप्लीट, वो भी डायमंड 2 के टियर पे। डायमंड 2 का टियर यानी कि एकदम क्राउन के नजदीक वाला। यार यहाँ पे बंदे बहुत तगड़े आते हैं, कैंपर लेके सब आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड 2 पे मैं कंप्लीट किया हूँ, थोड़ा रैंक माइनस हो गया है जानता हूँ, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। अगले मैच में बढ़ने के साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली का दिनचर्या क्या है, सबसे पहले लैंड करो बिना हेलमेट वेस्ट और बैग उठाए, आपको लूटिंग अपनी कंप्लीट करनी है। अगर गलती से हेलमेट वेस्ट या बैग उड़ गया तो वो तो मैच हो गया आपका बर्बाद। तो यार देखो कमांडो टाइटल में यही एक मेजर चैलेंज है, और कॉन्करर में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। कॉन्करर में करने के लिए आपको क्या है कि आप हेलमेट वेस्ट बैग लेवल 3 का भी यूज़ कर सकते हो, और कमांडो टाइटल के लिए आपको चिकन डिनर करना नेसेसरी है। चिकन डिनर करोगे तभी वो काउंट होगा, और कॉन्करर करने के लिए चिकन डिनर लेना ज़रूरी नहीं है। फिलहाल तो ये भाई साहब दौड़ रहे हैं, इनको मैं मारने का मन बहुत करता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं इसको मारा तो मेरी लोकेशन हो जाएगी एक्सपोज और मेरे पीछे बंदे पड़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल किल की भूख मिटाते हैं। हाँ तो चलिए भैया आप सीधा मुद्दे पे आते हैं, तो मुद्दा यही है कि देखिए कमांडो टाइटल कंप्लीट करने के लिए आपको चिकन डिनर करना ही पड़ेगा। 50 चिकन डिनर होंगे तभी वो काउंट होगा, वो भी बिना हेलमेट वेस्ट और बैग के। और फिलहाल तो यहाँ से जोन हट चुका है, तो मैं साइकिल निकालता हूँ और निकल लेता हूँ जोन की तरफ। और कॉन्कर करने के लिए आपका चिकन डिनर लेना ज़रूरी नहीं है, बस आपका हर एक मैच अच्छा जाना चाहिए। अच्छा मीन्स आपका हर एक मैच में पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए, एट लास्ट आपका कॉन्कर हो ही जाएगा। और कॉन्कर करते वक्त जो टॉप 100 की लीडर बोर्ड होती है उसमें से 20 या 25 बंदे ही कंटिन्यूअस अपनी रैंक अप कर रहे होते हैं, बाकी के बंदे तो कॉन्कर मिलने के बाद छोड़ देते हैं। और फिलहाल आ चुके हैं हम लास्ट जोन में, और लास्ट जोन में कंडीशन ऐसी थी कि एक भाई साहब लेके चल रहे थे अपनी बोलेरो, और बोलेरो से दिक्कत यही था कि वो चली आती है तो समझ नहीं आता कि बोलेरो से बचे कि बंदे को मारें। बंदे को मारने के चक्कर में कई बार बोलेरो के नीचे आ जाते हैं, तो मैं डिसाइड यही करता हूँ कि फिलहाल बोलेरो वाले से ना भिड़ा जाए, क्योंकि बोलेरो वाला मेरे को कर सकता है दिक्कत। तो यार अब बात ऐसी है कि कमांडो टाइटल आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सीज़न में कंप्लीट करो, आप अगले सीज़न में भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्कर के लिए ज़रूरी है कि आप एक ही सीज़न में कंप्लीट करना है। आप ऐसा नहीं है कि इस सीज़न में 100 पॉइंट ले लिए, अगले सीज़न में 10 पॉइंट ले लेंगे तो हो जाएगा कॉन्कर। तो फिलहाल यार दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर लेटा हुआ है और मेरे को इसको मारने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको मार दिया तो फिर बोलेरो वाले से कौन भिड़ेगा। तो फिलहाल के लिए बोलेरो वाले और इसको लड़ने देते हैं, और हम जाते हैं जोन की तरफ। और जैसे ये बोलेरो वाले भाई साहब उस बंदे की तरफ जाते हैं, अब मेरे को पता चल गया था कि दोनों बंदों का ध्यान एक दूसरे पे होगा, तो यही मेरे लिए बेस्ट मौका था जोन में भागने के लिए। तो मैं ओपन से ही भागता चला जाता हूँ, और जैसे ही वो बोलेरो वाले भाई साहब मेरे सामने आते हैं मैं फिर से लेट जाता हूँ। अब ये बोलेरो वाले भाई साहब उसी बंदे के चक्कर में पड़े हैं, तो फिर मैं निकल लेता हूँ जोन की तरफ। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको अगर किसी से बिना फाइट किए या फिर कम से कम फाइट किए जोन में जाना है, तो दो बंदे अगर आपस में लड़ रहे हैं आप उनको लड़ने दीजिए, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, और आप धीरे धीरे जोन में निकलते जाइए। अब देखो दोनों का होने वाला है मैटर। अब यहाँ पे होता ऐसा है कि हमारे बोलेरो वाले भैया जीत जाते हैं, अब मैं उनकी तरफ लगा लेता हूँ निशाना कि वो जैसे ही दिखेंगे उनको निपटा देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक गलती, लगाने लगता हूँ एक पेन किलर, और उसी वक्त वो भाई साहब बैठते हैं गाड़ी में और चले आते हैं मेरी तरफ अगले बंदे को ढूंढने, यानी कि लास्ट बंदा यानी कि मैं। तो मैं भी लगाता हूँ निशाना, और इसी के साथ BGMI के सबसे कठिन कमांडो टाइटल का 32वां चिकन डिनर भी हो जाता है कंप्लीट, जो कि कंप्लीट हुआ है डायमंड 2 के टियर पे। तो भाई लोग अब बात हम लोग कर रहे थे कॉन्करर वर्सेस कमांडो की, तो देखो यार दोनों अपनी अपनी जगह पे कठिन ही, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे को कमांडो टाइटल ज़्यादा कठिन लगा। तो इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके के चैलेंजेस वाले वीडियोस और भी आते रहेंगे।